हेलो फ्रेंड्स, रसोई मीना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि बहुत सारे मोमोज खाए होंगे आप लोग, लेकिन इस तरह के मोमोज बहुत कम खाए होंगे। तो हम मोमोज बनाने के विधि बताएंगे, सामग्री भी दिखाएंगे आपको कि किस चीज से हम मोमोज बनाएंगे। तो प्यारे मेरे दोस्त फ्रेंड, उससे पहले हमारे चैनल को, रसोई मीना की चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो मोमोज बनाने के लिए हम ये एक कप, इन कप्स लिए हम एक कप मैदा, इनमें हम पानी ले लिए हैं, इसी से हम एक कप मैदा लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको मैदा को सान के दिखाते हैं डो बना करके। तो मैदा का डो लगाने के लिए हम मैदा को इस बॉल में ले रहे हैं, और इनमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा चुटकी भर ली है, और इनमें हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। ऐसे मोमोज में तेल नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये मोमो जो हम बनाने जा रहे हैं इनमें हम थोड़ा तेल लिए हैं। तो हम इनको डो लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी दे करके, अच्छे से सॉफ्ट डो, फिर हम आपको सामग्री दिखाएंगे। तो इनको हम इस तरह से कुछ मैश कर लेते हैं। हम इनमें सरसों का तेल डाले हैं, आप कोई भी तेल ले सकते हो। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हम डो को अच्छे से लगा लेते हैं। कितना सॉफ्ट डो हम लगा लिए हैं, ये डो बहुत ही सॉफ्ट, ज्यादा सख्त भी नहीं है, ज्यादा हम मुलायम भी नहीं है। जिस चीज से हम मोमोज बनाने वाले थे, तो हम देखिए कि चीज क्या चीज लिए हुए हैं, सोया चंक। हम इनको हम करीब 1/2 घंटे पानी में भिगो करके अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हाथ से मैश हो रहे हैं, फिर भी हम इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो इनको अच्छे से पानी फिर से थोड़ा सा देखेंगे तो निकाल लेंगे, नहीं तो ग्राइंड कर लेंगे। चलिए इनको साइड कर लेते हैं मोमोज को। इनमें डालने के लिए हम मसाला आपको दिखाते हैं, 3 से 4 हरी मिर्च। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो और काट लीजिए, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यह चिली फ्लेक्स जो हम ऊपर से लेंगे टेस्ट के लिए, और चुटकी भर गोलकी दरदरी अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी गाजर ग्रेटेड, 1 कटोरी प्याज ग्रेटेड। हम इन सामग्रियों को फ्राई करेंगे, 1 कटोरी धनिया का पत्ता जो हम फ्राई करने के बाद ऊपर से डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले ग्राइंड करते हैं सोया चंक को हम अच्छे से। देख सकते हैं इनमें पानी नहीं है, तो हम ले लेते हैं इनको और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बच्चे का फेवरेट है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये ग्राइंड हो गए हैं। बच्चे क्या, सभी कोई के फेवरेट है। थोड़ा हम अलग बनाने का आपको कोशिश करके दिखाए हैं कि हम अलग बना करके आपको दिखाए। इसके फ्लेम कर लेते हैं ऑन, और पैन कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। तेल का यूज हम कम करेंगे क्योंकि हमको मोमोज में स्टफ करना है। और ये सोया चंक को हम अच्छे से देखिए कितना बारीक पीसे हैं। तो इस तरह से हम अभी तेल हो गए हैं, हमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, बिल्कुल कच्चा पर इनका हटा देंगे हम। तो हल्का प्याज अच्छे से गल चुके हैं, ले लेते हैं और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। क्योंकि मोमोज का बात है तो मोमोज बनाना है भाई। अब में लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी लॉकडाउन में जो आ रहा है घर में, उनसे हम अच्छे अच्छे चीज बना करके खाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आइए इनको हम थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। इनमें हम डालते हैं गोलकी जो हम लिए थे, और चिली फ्लेक्स होममेड है, घर में से बना लिए थे घर में, इनको आप भी बना लीजिएगा। और चुटकी भर हम पास्ता मसाला डालेंगे, इनसे टेस्ट जो होगा आप बना करके इस तरह से देखिएगा। और अब हम इनमें हरे मिर्च, हमको आधा कच्चा आधा पके चाहिए, इनको भी अच्छे से, और इन्हीं में हम सोया चंक को डाल देते हैं। अब इनको हम अच्छे से करीब 2 मिनट में हम नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे, 1 चम्मच लिए थे,
तो आधा छोटा चम्मच हम आटे के डो में लिए हैं, ये आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, और आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा नमक इनमें लिए हैं, इतना नमक बचा लिए हैं क्योंकि ज्यादा नमक हो जाएंगे। और इसी में हम अब तुरंत गाजर ऊपर से, ताकि अच्छे से ये मिश्रण सब मिल जाए, और थोड़ा गाजर का पानी भी होंगे तो ये सूख जाएंगे। तो उसको 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ऊपर से थोड़ा सा 2-4 बूंद और लेमन जूस, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, कम दबाएंगे इनको, इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं। और ऊपर से अब इनका पानी हमको सुखाना है, तो इस तरह से कुछ देख लेते हैं, थोड़ी पानी है तो हम इस तरह से मिला ले रहे हैं। मोमोज में स्टफिंग करने के लिए 2-4 बार चला लेते हैं हम, इस तरह से आपको उतारने के बाद तुरंत इस तरह से कम 1 मिनट आपको सेव भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम डो को देख लेते हैं। डो राम काफी महोदय आराम कर लिए हैं, तो चलिए हम मोमोज कर ले रहे हैं। पूछिए क्यों भाई? तो हमको मोमोज बनाना है ना, तो हम इडली कुकर लिए हैं। आपके पास अगर कढ़ाई है तो कढ़ाई में स्टील का छन्नी रख करके आप आराम से बना सकते हैं। एक पे से एक कटोरा रख दीजिएगा और उसके बाद से छन्नी रख दीजिएगा तो बन जाएंगे। और इनको हम तेल से ग्रीस कर लिए हैं, तेल में हम लगा देते हैं इनको अच्छे से इस तरह से, और इनको हम ढक देते हैं। अब हम चलिए अब इनको हम देख लेते हैं। डो मोहदे, ये काफी अच्छे से डो तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, इनको हम अब बस ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ से हम आधा 2 पार्ट में इनको हम इस तरह से बांट लेते हैं, छोटे छोटे हम लोई बनाएंगे। देखिए बस इस तरह से डो ले लिए हम, इनको अच्छे से हम मिल लेते हैं पूरी का आकार में। इनका थोड़ा पूरी पतली होंगी, जितना पतला बेलिएगा उतना बढ़िया मोमोज होंगे आपके। तो हम इनको आराम आराम से पतले बेल लेंगे। तो हम देखिए पूरी को कैसे बेल लिए हैं। अब हम इनमें स्टफ रखेंगे, आपकी मर्जी जितना स्टफ रख सकते हैं। तो आज हम इस तरह से पानी लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत बार हम बनाए हैं मोमोज को, तो आप देख ही सकते हैं कि हम किस तरह से बनाए हैं। तो आज भी हम कुछ अलग ही थोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से इनको हम ये देखिए जोड़ देंगे बिल्कुल, और ये पोटली की तरह, तो देखिए, और यहाँ लगा देंगे पानी, और यहाँ से इनको हम इस तरह से पैक कर दिए। देखिए इसी तरह से हम इनको दूसरा बेल लेते हैं। एक मोमोज हम इस तरह से कुछ बनाए हैं और दूसरा इस तरह से, तो इसी तरह से हम सारे देख सकते हैं कि हम सारे मोमोज को बना लिए हैं। और इसमें हम बाद में बना लेंगे, थोड़ा सा है इनको छोड़ते, पहले हम आपको स्टफिंग करके दिखाते हैं। अब हम पहले अच्छे से भर भर के ले रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से पकड़िए। फिर से हम बता रहे हैं आपको, इस तरह से बिल्कुल नहीं खुलेगा। अभी हम आपको बिना पानी के दिखा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से पकड़िए। उस समय उस तरह से बताए थे आपको, यहाँ से हम ले लिए इनको। यदि उससे भी ना हो आपसे तो यहाँ से इनको पकड़ लीजिए, गर्म है और इनको पकड़ कर देख सकते हैं। तो बारी बारी से हम मोमोज को नहीं खुलेंगे, चलिए पानी देख लेते हैं। इडली स्टैंड पे थोड़ी दूर दूर पर रखें, खाने का आपको भी इंतजार किया। हम थोड़ा सा बीच में इनको हम साइड कर देते हैं, और एक और बचे हैं से हम रखती हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, मतलब स्टीम होने के लिए 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं हम इनको। तो देख सकते हैं आप इनमें कलर कितना बढ़िया आ गया है, बहुत अच्छे ये तैयार हो गए हैं। तो हम गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑफ, और इनको हम बस बारी बारी से निकाल लेते हैं। और क्या, देखिए ये प्लेट में जाने के लिए एकदम रेडी है, भाग रहे हैं। तो आप लोग आइए और झट से इनको देखिए कैसे भाग रहे हैं आप ही लोग की तरफ। इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए।
और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सारे मोमोज हम निकाल लिए हैं, अब हम आपको गार्निशिंग करके दिखाते हैं। अब हम गार्निशिंग कर ले रहे हैं, गार्निशिंग करके आपको दिखाते हैं कि मोमोज किस तरह से गार्निशिंग हमारा मोमोज का। कमेंट करके जरूर बोलिएगा। हमारे नए दोस्त फ्रेंड है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। एक बस दबा देना है आपको बेल आइकन, ताकि आने वाली नए नए नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमारे पुराने दोस्त फ्रेंड है, शेयर लाइक करें, लाइक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपके लिए नए नए रेसिपी लेकर के आएंगे हम, और आप इस तरह से देखिएगा, बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।